नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका हमारा मनपसंद यूट्यूब चैनल टेक्निकल भदानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जियो फ़ोन में जो फेसबुक का ऐप है उसमें एक अपडेट आया है। मुझे एक ये देखिए अलर्ट भी आ गया है कि ऐप अपडेट अवेलेबल, अपडेट योर ऐप नाउ। तो ये फेसबुक का ऐप अपडेट है, हो सकता है आपके फ़ोन में ही आया होगा। अगर आपने डाटा कनेक्शन जब भी ऑन करेंगे तो आएगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली आपको जियो स्टोर में चले जाना है और फेसबुक जो है वहाँ से ढूंढ कर फेसबुक को कर लेना वहाँ से अपडेट। तो यहाँ पर मेरा भी अपडेट आ चुका है, तो हम इस अपडेट को अपडेट करेंगे और देखेंगे क्या नए फीचर्स मिले हैं हमें, क्या उसका यूज़ होगा, वह सारी चीज़ें बताऊँगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि यही वो चैनल है जिसमें आपको सबसे पहले अपडेट्स की जानकारी मिल जाती है जियो फ़ोन की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आते हैं टॉपिक के, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो को। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, जिनका अभी अलर्ट भी नहीं आया मैं उनके लिए बता देता हूँ। तो आपको चले जाना है अपने जियो स्टोर में, और जियो स्टोर में जाने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको नीचे चले आना है और यहाँ से आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर फेसबुक का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ से मेरा अपडेट नहीं है क्योंकि मेरा अलर्ट में ही अपडेट है, तो मैं वहाँ से अपडेट कर लूँगा। अगर आपका अलर्ट में अपडेट नहीं है तो आपका यहाँ पर अपडेट होगा, तो आप इसे अपडेट कर लीजिए। तो हम इसे अपडेट पहले यहाँ से ही कर लेते हैं। तो यहाँ ऐप अपडेट अवेलेबल देखिए, 19 मिनट पहले ही आया था अपडेट, तो मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो ये देखिए ऐप अपडेट यहाँ पर लिखा भी गया, अपडेट ऐप अपडेट अवेलेबल, अपडेट योर ऐप नाउ टू कीप गेटिंग इंस्टेंट अपडेट्स फ्रॉम फ्रेंड्स। तो इसे हम जल्दी से अपडेट कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा अपडेट होना शुरू हो गया है और देखते हैं हमें क्या नए फीचर देखने को मिले हैं इस अपडेट के बाद। तो ये दोस्तों ओपन हो गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे कि इसका इंटरफेस दोस्तों यहाँ पर एक ही मुझे दोस्तों यहाँ पर अपडेट हो गया। ये देखिए ऊपर में अपडेटिंग लिखा चुका है, तो ये अपडेट हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो हम इसे अपडेट होने देते हैं। और ये देखिए दोस्तों अपडेट हो गया हमारा, अपडेट कंप्लीटेड। तो हम इसे दोबारा ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या नए फीचर्स हमें देखने को मिले हैं। तो हम यहाँ से चले जाते हैं फेसबुक में। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, खुल रहा, ओपन हो रहा है। तो फिर से हमें वैसा इंटरफेस देखने को मिला है जैसा पहले देखने को मिलता था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखेंगे लुक थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पर आपको फोटोज़, पोस्ट और फीलिंग्स यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये अपडेट पहले ही आ चुका था, लेकिन ये मेरा में अभी अपडेट आया इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर तो कुछ अपडेट नहीं मिला है। मैसेंजर में देखते हैं, तो मैसेंजर में भी यहाँ पर अपडेट हमें नहीं मिला है। तो दोस्तों यही अपडेट हमें देखने को मिला है यहाँ पर, कि हमें 3 नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। पहला फ़ोटोज़ पोस्ट, यहाँ पर आप डायरेक्ट ही पोस्ट कर सकते हैं अपने कोई फ़ोटोज़ को, बस इसे में क्लिक कीजिए और जो भी फ़ोटो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये देखिए वीडियोस का ऑप्शन, आपको गैलरी वीडियो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको के यहीं से आप पोस्ट कर लीजिए और अपनी फीलिंग को भी यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं। यही अपडेट आया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आया होगा वो है वर्ज़न चेंज हो गया होगा इसका, तो और भी हमें नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस अपडेट के बाद। हो सकता है हमें मैसेंजर अलग से ऐप हमको देखने को मिल जाए जियो फ़ोन में, तो लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जियो फ़ोन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।